यार अभी हम लोग जो कैफे में, उसका नाम है ओम शांति ओम, और यहाँ की जो वाइब है वो अलग ही लेवल की है, अलग ही। और ये बेसिकली मतलब गलती से मतलब मिल गया, मेरे एक दोस्त था मेरे साथ, मेरे को मिल गई थी यहाँ पर, तो उसके साथ मैं आया हूँ। और शी इज़ नॉट कैमरा कॉन्शियस, तो इट्स बेटर की, बट जो वाइब है ना यहाँ पर वो आपको मतलब अनबीटेबल। तो भाई त्रिवेणी घाट घूम के, उस कैफे में वहाँ के वाइब को एंजॉय करके, कुछ खाना पीना खा के, अब फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने हॉस्टल। और बारिश अपने चरण से वहाँ पे है, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने व्यवस्था भी कर रखी है हॉस्टल, मतलब कतई ठीक है, पूरा एकदम रेनकोट वनकोट पहन के। हाय, ये हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर भी बने हैं। हाँ अच्छा सब्सक्राइबर भी हो गया क्या? अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार। हमारा जो गुड मॉर्निंग है यार वो बहुत लेट हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 12 ठीक है, गुड आफ्टरनून भी हो ही गया है, मतलब 12 ज़्यादा टाइम हो गया। तो एक्चुअली पंगा ये है यार कि आज थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा थक भी गया था, तो थोड़ा लेट उठा मैं, फिर थोड़ा लगा कि यार थोड़ा, क्योंकि बारिश बाहर हो रही थी तो कहीं आने जाने का कुछ हो नहीं रहा था, सीन बन नहीं रहा था, तो आज यही हॉस्टल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया फर्स्ट हाफ। अभी सेकंड हाफ में बारिश थोड़ी रुकी है, तो अब निकलते हैं यार फटाफट, भाई पैकिंग कर रहा हूँ, वैसे मोबाइल लेके जाऊँ क्योंकि बारिश कभी भी हो जा रही है। अच्छा तभी आज भपकी में लग रही है। राधे 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 राधे, चलो कोई नहीं यार, जा रहा हूँ मैं अभी शिवपुरी और देवप्रयाग। ओ वाह, देवप्रयाग चल जाओगे? हाँ छुट्टी है, कहाँ पर? नीलकंठ में ऊपर वो जाता है। अरे जैसे यहाँ पर नीलकंठ के आगे यहाँ पर स्कूटी रहेगी। नीलकंठ किधर की तरफ पड़ेगा? वही सीपी से यार शिवपुरी के पास। हाँ, वैसे नीचे ले लेना। अच्छा अच्छा, कोई भी बता देगा आपको। ठीक है यार, ठीक है, बाय 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 बेटा। तो यार अभी निकल गए हैं, मौसम थोड़ा साफ हो गया है, तो जल्दी से जा रहे हैं यार, जल्दी से जा रहे हैं अपने स्कूटी पहले पहन से, स्कूटी भी चालू करने में टाइम लगेगा, साले एक बार में होती नहीं है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब ले लिया यार, ले लिया, ऊपर से सैंडल भी ठीक करवाना है, सैंडल की हालत में तो सैंडल भी लिया यार। जहाँ तक पार्किंग है, उसके बाद हमारे को ट्रैकिंग करना है ठीक है, और उसके बाद ट्रैकिंग करके जाएंगे, बट एक बार नज़ारा देखो यार, नज़ारा बड़ा सुंदर है। यहाँ पर चढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट सही और चीज़ ये है कि मतलब उतना सीप नहीं है, मतलब उतना लंबा, मतलब ढलान जो है वो वैसा नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हो और मतलब जल्दी जल्दी रास्ता कवर कर सकते हो। अगर ढलान रहता है तो फिर नहीं हो पाता है यार रास्ता कवर, लेकिन हो जाएगा यार क्योंकि उतनी सीप चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल है, हल्का सा ऊपर अप एंड डाउन होते हुए पूरा कवर किया जा रहा है। लेट्स सी यार, लेट्स सी कितने देर हम पहुँचते हैं।
नीलकंठ मंदिर भैया। अच्छा इधर ही है। तो भाई अभी पहुंच गए मंदिर, अभी मेन जो मंदिर का द्वार है उधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चप्पल जूता वहां उतार दिया है, पैदल ही चल रहे हैं। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां पर शिव भगवान ने, जब समुद्र मंथन के दौरान जो विष उत्पन्न हुआ था, तो शिव भगवान ने इसी जगह पे उस विष को ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद माता पार्वती ने भगवान के गले में हाथ रख दिया शिव भगवान के, ताकि वो जो विष है वो भगवान के पेट में ना पहुंचे, और इससे भगवान का जो गला है वो नीला पड़ गया। और यही वो जगह है जहां पर भगवान को एक नया नाम मिला, नीलकंठ महादेव। पहले मेन मंदिर के दर्शन करते मेन मंदिर किधर की तरफ है यार? अंदर के लिए भैया जी चले। अंदर यहाँ से अंदर के लिए मंदिर के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई मंदिर जाने का रास्ता ये है। तो भाई मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना था, तो इसलिए ना फोटो ना वीडियो रिकॉर्डिंग। मंदिर में दर्शन हो गए, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इन मंदिर में दर्शन बहुत अच्छा है, तो कुछ भी कहो, एकदम भीड़ भड़ा कर लिया, आराम से गए, आराम से एकदम महादेव को देखा। ठीक है, नंदी भगवान से मिले, मैनेजमेंट सही है, और थोड़ा सा मतलब क्राउड संडे है लेकिन तब भी ठीक ठाक है। मतलब मैं सेकेंड हाफ में पहुँचा, अभी 3 बज रहे हैं तो क्राउड ठीक है। ठीक है, उतना कुछ भीड़ भड़ाका नहीं है। मेरा चप्पल मेरे को लेना पड़ेगा, भूल गया चप्पल, अलग ही भक्ति में रहता हूँ। थैंक्स भाई, भूल गया था भाई मैं तो चप्पल लेना। तो भाई अब महादेव के दर्शन हो गए हैं, तो अब सोच रहा हूँ यार कि कुछ खा पी लिया जाए, है कि नहीं, खाने पीने के बाद फिर चला जाए कहीं पर भी घूमने के लिए। तो देखते हैं यार जल्दी से। गन्ने का रस बना पीऊँगा भाई, एक बना दियो यार गन्ने का, बिना बर्फ बिना नमक, नींबू डाल दियो। तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाया जाए और क्या खाया जाए। कुछ चना वना बना रहा है क्या? चना खाया जा सकता है, तेल वाली चीज़ें नहीं खाने का मन कर रहा है यार, चना ही बना रहे हैं। देखता हूँ चना बना रहा है। हाँ 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 यार, कितने का है यार दोस्त? 30 और 50। ये 30 का, वो 50 का। हाँ जी, एक 50 वाला कर दो। तो उसे से नमक नींबू मिर्च डाल के यार बना दो। अंधी अंधी तो भाई हमने श्री दवादेश ज्योतिर्मार श्री दवादेश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर के भी दर्शन कर लिए, और बोला ये जाता है कि आप जब नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं, तो ये जो दवादेश ज्योतिर्लिंग मंदिर है शिव भगवान का, इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद ही मतलब पूरा जो यात्रा है आपकी उसको सफल माना जाता है। एक तरीके से हमारा यात्रा सफल हो गया है। सो हर हर महादेव। जब आप नीलकंठ महादेव के लिए आएंगे मंदिर के लिए, तो आपको बहुत ऊपर मतलब चढ़ान चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जाहिर बात है कोई वाहन ही करके आओगे, चाहे स्कूटी हो गया, चाहे ऐसे ऐसे जीप हो गए, ठीक है, ये बोलेरो ये सब, इसके ज़रिए आओगे, आपको इतना बढ़िया बढ़िया व्यू मिलेगा ना यार, इतना सेक्सी, इतना तगड़ा तगड़ा व्यू मिलेगा कि आप क्या बताओ। मैं अकेला आ रखा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लगा नहीं रहा हूँ, वरना अगर कोई अगर ग्रुप में आए ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप रुक के आराम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मतलब जर्नी भी खूबसूरत है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जर्नी खूबसूरत नहीं है, जर्नी भी बहुत खूबसूरत है।
जस्ट व्यू को देखो यार, क्या वो सामने कितना सुंदर लग रहा है। देखो बहुत सुंदर नज़ारा है यार यहाँ से। पता नहीं मैं मोबाइल से ढंग से दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये नज़ारा बहुत सुंदर है। राय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भाई अभी फिर से हॉस्टल में आ गए हैं, अपना बैग लेने और टी शर्ट बस चेंज करूंगा यार, और फिर निकलूंगा परमात आश्रम के लिए। प्लीज़ देखो कॉन्स्टेंट चली आ रही है, अभी तक मैंने सैंडल नहीं बनवाया, देख रहे हो सैंडल अभी तक टूटा हुआ है। इतना घूम के आ गया नीलकंठ, लेकिन सामने का व्यू देखो यार तुम, व्यू यार यहाँ पर भाई नज़ारों के पैसे हैं। ठीक है, चारों तरफ का नज़ारा देखो। ये हमारा हॉस्टल मतलब पेड़ पौधों से घिर गया बेसिकली, ये वाला हॉस्टल है यार, कहाँ गया उंगली, हाँ ये वाला। ठीक है, इधर भी कुछ लोग रहते हैं फैमिली जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। सो माय डियर लवली पीपल, हम लोग जा रहे हैं अभी परमात आश्रम, और ऑन द वे की सारी घटना आपको इस कैमरे के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा आपको दी जा रही है। मौसम अजीब सा ही है, मतलब बादल भी है और धूप भी है, और साथ में पुलिस चेकिंग भी है, तो इसलिए हेलमेट हमने लगा लिया है। और ये पूरा जो झूला है ये है यार जानकी झूला, जिसमें सबके पैदल चलने के लिए भी जगह बनाई गई है और गाड़ियों के लिए भी जगह बनाई। और तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं जानकी झूला के पास, और यहाँ पर जो अभी पूरा सीनरी है ना बहुत तगड़ा लग रहा है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार ये देखो यार, हमारे महादेव विराजमान हैं और उनके सामने उनकी जनता, और अभी मतलब प्रेयर चल रही है, उसके बाद जो मेन आरती है वो स्टार्ट होगी 6:40 पे। ऑल दो हर एक जगह मैं अभी 4-5 जगह आरती देख चुका हूँ, और हर एक जगह जो टाइमिंग है वो 6:30 या 6:40 के आसपास ही आरती हमेशा स्टार्ट होती है। जस्ट वेटिंग फॉर द आरती यार, उसके बाद जैसे ही आरती ख़त्म होगी हमारे को यहाँ से निकलना होगा स्कूटी सबमिट करके, और वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव।
हाँ जी, तो हमने जो परमात आश्रम के सामने जो शिव भगवान विराजमान है उसकी आरती देख ली है और अब हम लोग जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं फटाफट। गोली हो लो कतई, ज़्यादा ना सोचो समझो, है कि नहीं जी? ज़्यादा सोचना समझना नहीं है भाई, सीधे एकदम चल पड़ो अब, क्योंकि अब आपको हरिद्वार जाना है, ठीक है। और एक चीज़ है, टूटे हुए चप्पल की एक क्वालिटी है, कोई चुराता नहीं है यार, यहाँ के लोग इस मामले में बड़े अच्छे। हमारे दामाद भी समझाते हैं हमें, लड़की भी समझाती है, लड़का भी बोलता है, तोरे बुखार चढ़ा तू काम करा, तुम अपना कोई धंधा नहीं कर सकती। तो भाई लग रहा है आज बस, आज ट्रेन छूटेगा, क्योंकि जो हरिद्वार जाने वाली बस ही कोई नहीं मिल रही ऋषिकेश से। हरिद्वार कब, कौन सा कब निकल, हरिद्वार जा रहे हो? हरिद्वार ऑटो से जाएंगे। कितना सवारी में जाना है? स्पेशल सवारी पे जाएंगे। 100 रुपये कितने देर में निकलोगे? बस एकदम 10 मिनट में निकलने वाली है, मेरे को थोड़ा सा भूख लग रखा है तो मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, ठीक है। हरिद्वार पहुँच गया, हरिद्वार बस स्टैंड से अब सीधे अम्बाला कैंट की बस मिल रही है, मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए भाई। कुछ खाने के लिए है? बस खाने के लिए है, पीने के लिए नमकीन है, कौन सा नमकीन है? हल्दीराम बाहर कुछ मिल जाए यार खाने का, बह 10 मिनट और बस निकल रही है। चाहिए कौन सा यार किसके लिए? ये समोसे गरम है? हाँ कैसे रुपये पीस? 20 रुपये पीस ले लगा के। ऐसा करें यार, ऐसा करें, दो समोसा कर दे, पैक कर दे, पैक कर दे। दो समोसा ले लिया है, एक पानी की बोतल ले लिया है, ठीक है। बाकी ये रहा सामने बस, इसमें जाके मैं बैठा, ठीक है। बस मिल गई है, बैठना है बस, ये है बस पन बस सेवा। हाँ अम्बाला लुधियाना, कौन सा है पाजी? ये वाला, तो ये हमारी बस मिल गई भाई। या भोलेनाथ, तो फाइनली बस चल दी। सिर्फ खाने का मन नहीं कर रहा था तो दो समोसे ले लिए भाई, दो समोसे खा रहे हैं। नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएगा, लेकिन खुले नहीं होंगे यार, हाँ जी खुले नहीं।